आज हम शुमाइलास किचन में आलू गोश्त का सालन बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, तो चलिए हम देखते हैं कि आलू गोश्त बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने 750 ग्राम गोश्त लिया है चिकन, और हाफ के जी मैंने आलू लिए हैं, इनको मैंने बड़े साइज़ का काट लिया है। 2 मैंने नॉर्मल साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको बारीक काट लिया है इस तरह से। 3 अदद टमाटर लिए हैं, इनका मैंने पेस्ट बना लिया है। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 3 बड़ी हरी मिर्चें लिए हैं और इनको मैंने काट लिया है। 2 टेबलस्पून हरा धनिया लिया है, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। 1 प्याली दही लिया है। उसके अलावा साबुत मसाले जो हैं वो ये हैं। मैंने 1 बड़ी इलायची ली है, 2 लौंग लिए हैं, और ये 3 छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो मैंने दालचीनी के लिए हैं। ये खुशबू मसाला है, 1 टीस्पून मैंने खुशबू मसाला लिया है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आई बटन में भी डाल दूंगी। उसके अलावा जो स्पाइसेस हमें चाहिए वो ये हैं। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर लिया है, इसको मैंने तवे पर रोस्ट करके फिर मैंने इसको पीसा है। 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर लिया है, इसको भी हमने तवे पर रोस्ट किया और उसके बाद पीस लिया है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है और 1 टेबलस्पून नमक लिया है। तो चलिए हम आलू गोश्त का सालन बनाना शुरू करते हैं। हमने 1 प्याली कुकिंग ऑयल ले लिया है, और हमारा कुकिंग ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर ये प्याज डालेंगे और इसको लाइट गोल्डन करेंगे। आज वक्त की कमी की वजह से मैं आज जो आलू गोश्त का सालन है वो मैं प्रेशर के अंदर बना रही हूँ, कढ़ाई में नहीं बना रही। इनको हम इस तरह से फ्राई करेंगे 5 मिनट के लिए। अभी नहीं, ये हमारा प्याज जो है ये देखिए हल्का हल्का गोल्डन होना शुरू हो गया है। चूल्हे का फ्लेम हम करेंगे बिल्कुल स्लो, और हमने प्याज जो है वो ज़्यादा गोल्डन नहीं किए हैं, क्योंकि हमें सालन की रंगत का भी ख्याल रखना है। ज़्यादा गोल्डन करने से जो है वो सालन का कलर जो है वो ज़्यादा डार्क हो जाता है। अब हम इन प्याज़ों को निकाल लेंगे और इनको हम करेंगे ग्राइंड, इनका पेस्ट बना लेंगे। उससे आपका सालन जो है बहुत क्रीमी सा बनेगा। अब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे 2 मिनट तक भूनेंगे। अब इसके अंदर हम ये चिकन ऐड कर देंगे और इसको हम 10 मिनट के लिए भूनेंगे। अब इसको हम भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। इस तरह से अब इसके अंदर हम ये दालचीनी और लौंग और बड़ी इलायची जो हमने रखी थी वो इसके अंदर डाल देंगे। ये चिकन की स्मेल को ख़त्म करेंगे। अब दालचीनी जो है बड़ी इलायची जो है यहाँ पर अपना काम दिखाएगी। इसमें हम अब प्याज का पेस्ट हमने बना लिया है वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे इस तरह से, और इसको भूनेंगे। इसको 3 मिनट के लिए हमने इसमें भुना प्याज को। अब इसके अंदर हम टमाटर का पेस्ट जो हमने बना के रखा था वो इसमें हम शामिल कर देंगे और इसे भूनेंगे। ये पेस्ट बनाने की वजह से हमारा सालन जो है वो बहुत क्रीमी साइज की ग्रेवी बनेगी। अब इसकी भुनाई को 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ये स्पाइसेस ऐड कर देंगे जो हमने लाल मिर्च का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक रखा हुआ, ये सब हम इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से भुनेंगे। आपने सालन की भुनाई पर ख़ास तवज्जो देनी है, कि हंडिया का दारमदार जो होता है वो सालन की भुनाई पर होता है। इसका था ये देखें हमारा मसाला कितना ज़बरदस्त बना है, ये देखिए इस तरह से। अब इसके अंदर हम इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ये दही ऐड कर देंगे, हमने दही को अच्छे तरीके से फेंट लिया ताकि इसके अंदर कोई फुटकी ना हो। ये देखिए इस तरह से
कि आलू को करेंगे हम अच्छे तरीके से साफ, और इसे हम करेंगे मिक्स ऐसे। इसको हम उस वक्त तक भूनेंगे जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। अब इसमें हम ये आलू डाल देंगे और इन्हें 5 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए भूनेंगे। जी तो फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे चिकन को गलाने के लिए, और जितना सालन आपको रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक पानी डाल लीजिए। और हम इसके साथ हम प्रेशर का ढक्कन लगाएंगे और इसको 5 मिनट के लिए पकने देंगे। जी तो फ्रेंड्स, हमने प्रेशर का ढक्कन लगा दिया है और वेट इसके ऊपर रख दिया है। जब वेट बोलेगा तो उसके 5 मिनट बाद हम चूल्हे का फ्लेम जो है वो ऑफ कर देंगे और प्रेशर का ढक्कन खोलेंगे। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। सालन जो है वो तकरीबन बन चुका है, आलू भी जो है वो गल गए हैं, चिकन भी गल गया है। इस स्टेज पर आकर हम इसके अंदर ये कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना है। इसके अलावा ये जो खुशबू मसाला हमने रखा था, अब आकर हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। और आप यकीन माने कि जब आप ये खुशबू मसाला इसके अंदर ऐड करेंगे तो इसकी खुशबू सारे मोहल्ले में फैल जाएगी। ये एक जादुई किस्म का मसाला है। हमारा शोरबा ज़रा थोड़ा सा सालन पतला लग रहा है। अगर आपको सालन पतला लगे तो आप ये आलू जो हैं इनको ज़रा इस तरीके से मसल दें इसके साथ, और इससे आपका सालन जो है थोड़ा गाढ़ा लगना शुरू हो जाएगा। अब इसके अंदर हम हरा धनिया डाल देंगे और चूल्हे का फ्लेम जो है उसे हम बंद कर देंगे। हमारा सालन जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए, इसने ऑयल छोड़ दिया है साइडों से और इतनी खूबसूरत रंगत आ गई है। अब हम इसका डिश आउट करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, हमारा आलू गोश्त का सालन जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही टेस्टी बना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।